दोस्तों, देखिए मैं आप अपने विषय में कुछ बता रही हूँ आप लोगों से कि मेरी ज़िंदगी में क्या होता है, क्या कैसे होता है, कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी में जो जैसे भगवान रखे हैं वैसे हूँ, पर जो मेरी असली भूमिका जिसकी होती है, किसकी होती है, आदमी, बच्चे, लड़का, बच्चा, परिवार, सास ससुर, इन सब से मैं दूर हूँ। मेरे पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। मेरा आदमी मुझे छोड़ के चला गया था 2010 में, और तब से 2010 में चला गया था, एक रुपया नहीं देता है। वो करता सरकारी जॉब है लेकिन एक रुपया नहीं देता है, गंदे संदे उल्टे इल्ज़ाम लगाया करता है। दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। और वो उसको क्या, 2018 से मेरा केस चल रहा है, बिटिया और हम रहते हैं, मेरा जो लड़का भी उसी की तरह हो गया है, जो उसका मौसा कहता है वो करता है, जो उसका बाप कहता है वही करता है, वो भी उन्हीं की बातों में रहता है, उन्हीं की गाड़ी पे कर गाड़ी चलाता है, और ड्रिंक वगैरह सब वो लोग करते हैं। हम लोगों को कोई एक रुपया नहीं देता है कि हम लोग उनके रुपए से अगर जहर भी खाना चाहें तो जहर के लिए भी पैसे नहीं देते हैं। दुकान भी किराए पर चलाते हैं, घर भी किराए का है, सब किराए पर रहते हैं, बिटिया को भी पढ़ाते हैं। और ये भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, इतना नायलाक, इतना बदतमीज, इतना दुष्ट, हम तो कहते हैं दुश्मन को भी ना मिले। दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़, जितना हो सके प्लीज़ मेरा वीडियो आगे से आगे बढ़ाइए। मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और एप्लीकेशन बहुत जगह लगा चुकी हूँ लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि रोज़ रात में आता है, गाली दे के चला जाता है। देखिए मैंने पीछे वीडियो में डाला भी है, उठा के दारू पी के आता है, मेरे दुकान के सामने लेट जाता है, कुत्ते उत्ते सब चाँटते रहते हैं। मैंने आप लोगों से कभी ये नहीं बताया कि मेरा आदमी है, लेकिन वो रोड के सामने जो मैंने वीडियो पिछले डाले हैं यही है, शराब पी के पड़ा रहता है, इधर उधर गाली देगा, उसके बाद पड़ा रहता है यहाँ सड़क पर बेइज्जती करता आके, उल्टे सीधे शब्द बोलता, घर पर भी आता है रात में, गाली वाली दे के चला जाता है, इतना तो नालायक है। इसमें आदमी वाले कोई भी लक्षण नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है कि इसको आदमी कहा जाए किसी भी एंगल से, लेकिन फिर भी हम लोग निभा रहे हैं कि चलो जैसा भी है पति है, लेकिन पति वाले इसमें एक भी लक्षण नहीं है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। करता है सरकारी जॉब लेकिन सारा पैसा दारू में पीता है, दारू इधर उधर दोस्त यारों में सब बांट देता है, हम लोगों को एक रुपया नहीं देता। दोस्तों मैंने कितने वीडियो में अपने घर की सारी स्थिति दिखाई है, मेरे घर में आज तक एक तख्त भी नहीं, एक कुर्सी नहीं है। सोच लो हमारे घर कोई आ जाए तो एक कुर्सी नहीं, एक चारपाई नहीं है कि हम लोग उसको उस पर उसको बैठा सकें। इसीलिए मैं अपने घर किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाती हूँ, अगर कोई आएगा तो कहाँ पर बिठा लूँगी। इसीलिए मैं जो कोई आता है बाहर ही मिलके बुला, यहीं दुकान पे बुलाती हूँ, यहीं से मिलके वापस कर देती हूँ। कोई कहता है रात रुक जाओ, मेरे यहाँ लेटने की व्यवस्था नहीं, जब तखत, खटिया, बिस्तरा, चरपैया कुछ भी नहीं है, एक टूटी फूटी अलमारी खड़ी है जो मैंने आप लोगों को दिखा रखी है, पहले घर का सारा दृश्य दिखाया है आप लोगों को, अभी भी दिखाती हूँ। हम लोग हमेशा ज़मीन में ही लेटते हैं। राधे राधे दोस्तों।